साहब, सबसे पहले आपने अपने गांव के इस प्रांगण में मुझे मेरी बात रखने का जो अवसर दिया है, अपने से मिलने का अवसर दिया है, परिचय करने का अवसर दिया है, उसके लिए तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देखिए, हमारा नाम है प्रशांत किशोर, हम नेता ना हैं, हम तो बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूरी करते थे, मजदूरी करके हमारे बाबूजी को पढ़ाए तो हमारे बाबूजी डॉक्टर बने। हम लोग पढ़ लिख कर यही बिहार के सरकारी स्कूल से निकलल बानी जा। माता पिता का आशीर्वाद रहा है, ऊपर वाले की कृपा रही है कि पढ़ाई लिखाई के बाद जीवन में कुछ करने का अवसर मिला। 10 बरस तक हम संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशंस में काम करते थे, पहले भारत में, फिर अमेरिका में, फिर 4 बरस अफ्रीका में हमने काम किया है। लेकिन जो ना परिचय से रुवा सब में कुछ आदमी हमरा के जाना था, चुनाव प्रबंधन, राजनीतिक रणनीतिकार, ये बड़े बड़े दल और नेता मुझसे मदद लेते हैं या लेते थे चुनाव के दौरान, वो काम हमने 2011 से शुरू किया, या यूं समझ लीजिए कि नियति ने हमसे वो काम 2011 से शुरू कराया। हमने के तो सब निमित्त मात्र बानी जा, हम कभी जीवन में ना सोच रहे, हमने के तो पूरा परिवार में राजनीति को जानते नहीं थे। तो यहाँ जो दो दो तीन तीन पुस्त से राजनीति कर रहा है, वो हमसे सलाह लेने आता है कि भैया चुनाव कैसे लड़ल जाए, तो भगवान का ही कृपा है। 2011 से 2021 तक हमने उस काम को किया, और उस दौरान 10 बरस में जिस दल का, जिस नेता का हाथ पकड़े हैं, वो चुनावे नहीं हारा है। तो लोग के बुझाता ऐसा कि भाई प्रशांत किशोर के पास चुनाव जितावे के कोनो फॉर्मूला बा, तो हम आपको बता रहे हैं हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास इतनी ही समझ है जो हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुओं ने हमको सिखाया कि जिस काम को भी लीजिए उसको ईमानदारी से, पूरी ताकत से कीजिए। तो 10 बरिस वो काम कई नहीं, 2021 में बंगाल और तमिलनाडु जहिया जीत के रिजल्ट आई, परिणाम आई, वो दिन घोषणा कई नहीं कि अब ये काम जीवन में ना करो। रुवा सोचो ये भाई ऐसा का है, वो एक काम करके इतना नाम कमाए हैं, मीडिया वाला ये भी बताएगा कि उस काम को करने के लिए 2-4 करोड़ नहीं, लोग सैकड़ों करोड़ रुपया हमको देता है। इतना पैसा, इतना नाम सब छोड़ के गांवे गांवे काहे घूमता नहीं। उस काम को छोड़े इसलिए कि 10 बरस बड़े बड़े नेताओं के साथ, दलों के साथ बहुत नजदीक से काम करके देखा, ये अनुभव किया कि नेताओं के जीतने से, दलों के जीतने से जनता नहीं जीतती है। तो हमने तय किया कि अगर सरस्वती ने, भगवान ने मुझे कुछ शक्ति बुद्धि दी है, तो मुझे कुछ जीवन में ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे सही मायनों में लोगों की जिंदगी बदले। यही सब काम के छोड़नी, और छोड़ के 1 बरिस तक घरे बैठल रही, सोचने समझने के लिए कि हमको जीवन में क्या करना चाहिए, और साल भर सोचने समझने, सारे विकल्पों को जांचने परखने के बाद ये तय किए कि अपने राज्य बिहार चलेंगे। अब बिहार आके चुनाव ना लड़ो, यहां समाज के साथ काम करेंगे ताकि समाज की मदद से एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाई जा सके जो बिहार के गौरवशाली अतीत को फिर से पुनर्स्थापित कर सके। इसलिए आए, अब एजा आए बानी, पैदल चलता नहीं, वोट नहीं की मांगो, आ कोई के कामो ना करो, हम रास्ता में चलता नहीं तो आदमी बहुत कहता। लोग जानते बानी समाज में स्थिति, जे कुर्ता पैजामा पहनल लोग गई, ए भैया हमार तो नहीं नली गली बनवा दी, ए भैया तनी राशन कार्ड में नाम जोड़वा दी, हमारे इंदिरा आवास नहीं मिलो, हमारे लड़का के नौकरी लगवा दी। हम समझते हैं आपकी पीड़ा,
लेकिन हम ये काम करने नहीं आए। हम वोट नहीं मांगते हैं और किसी का मदद भी नहीं करते, किसी का व्यक्तिगत मदद नहीं करते, तो हम पैदल काहे चलते हैं। आदमी कहता है भाई जब तारा अपना मतलब है नहीं कि हमनी के मदद करते नहीं तो पैदल काहे चलते हैं। क्यों संकल्प लिया है कि बिहार के गांव गांव शहर कस्बा देहात हर जगह पैदल चल के जाए। सुबह से चले शुरू करता नहीं है, जब तक सांझ ना हो रात हो तब ले चल। आज रवा गांव में पहुंचल बानी, 145 दिन से चलता नहीं, लेकिन अभी तक पांचे को जिला भइल बा, पूरा बिहार बाकी बा, डेढ़ बरिस चल कम से कम। तो पैदल क्यों चल रहे? पैदल इसलिए चल रहे कि जिस राज्य में हम लोग रहते हैं, जिस समाज की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, ये कम से कम एक बार जाकर अपने आंख से देखें तो सही कि आप रहते किस कष्ट में है। कि जो ना स्कूल में रहो लड़का पढ़ता सब ऊजा पढ़ाई होता कि ना, जब रोवा घर में कोई बीमार पड़ता तो अस्पताल में दवा डॉक्टर बालन की ना, राउर गांव के गली के सड़क के नाली के का दशा बा, जो ना खेत में रोवा काम करता नहीं उन्हें पानी पहुंचता कि ना, जो फसल आप उगाते हैं उसका भाव मिलता है कि नहीं, ये देखने समझने चले। हर पंचायत के लिए योजना बना रहे हमारे साथ, हमने देश विदेश के 500 से ज्यादा विशेषज्ञों को जोड़ा है कि हमारा संगे चलता ही ना, अलग से जो देखते हैं समझते हैं, लोगों से सूचना मिलती है, इस सब के जुटा के बिहार के हर पंचायत के लिए, बिहार का नहीं बिहार के हर पंचायत के लिए अगले 10 वर्ष का विकास का योजना बना रहे। जब पदयात्रा खत्म हुई तो योजना बना के जारी करो, रहुआ अपना गांव में अपना पंचायत पोकरा के पढ़ो देखो चर्चा करो, ठीक लगेगा तो अपनाइएगा, नहीं ठीक लगेगा तो रद्दी के टोकरी में डाल दीजिएगा। वो योजना में खाली ये नहीं कहेंगे, ये नहीं बताएंगे कि आपके गांव में गए थे वहां सड़क टूटा है सड़क बनेगा, ये तो होना ही चाहिए, जो आपका समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। लेकिन सड़क का बनना नाली गली का बनना विकास नहीं है, उससे आपकी गरीबी दूर नहीं होगी। इसलिए योजना में ये भी बताएंगे कि आपके गांव आपके पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी। उस योजना में आपको ये भी बताएंगे कि आपके गांव में आपके पंचायत में खेती किसानी करने वाला आदमी के आमदनी अगले 10 वर्ष में पंजाब के किसान के बराबर कैसे किया जाएगा। और सबसे बढ़ के ये भी बताएंगे जो बिहार का कोल है बेरोजगारी पलायन, कि आपके पंचायत में 500 से 1000 नए लड़कों को रोजगार कैसे दिया जाएगा, ये पूरा व्यवस्था बनाकर आपको देंगे। ओकरा के पढ़ी देखी समझी तब अपनाई, बात सुनकर भाषण सुनकर किसी के पीछे मत जाइए। हम यहां चले हैं, हम ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रउआ तो ये रहता नहीं, यहाँ बैठे हुए इतने होशियार लोग, हमारा से तो ज्यादातर आदमी में समझदारे बा, अनुभव हमारा से ज्यादा बा, ये पंचायत के कौन ऐसा समस्या में जो रउआ देखी जाना, कोई विशेषज्ञ आ नहीं हम तो एक दिन में कितना जानी हो, रउआ तो ये रहता नहीं, वो समस्या के जियता नहीं, तो सुधरत काहे नहीं के यो बतावे चलन वाली। देखी 5 बरिस बिहार में आदमी बैठ के बतियावता एजा कितना भ्रष्टाचार बा, सड़क नहीं खे, नाली नहीं खे, गली नहीं खे, लेकिन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, रोजगार नहीं खे, सब बात रोज बतियावता। यूरिया 277 के 500 में मिलता, 2000 के धान 1500 में बेचाता, पासपोर्ट बनावे जाता नहीं तो वह में 1500 लागता, कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है जिसमें बिना पैसे का काम हो रहा है, ये सब बात रोवा जानत नहीं रोज बतियाओ तो बानी। लेकिन जहिया वोट होता वो दिन सब बात भूला जाता, बिहार में वोट के दिन आदमी के चारे को बात याद बा, पहला बात हमार जात का बा, अके हमारा जात के खड़ा बा, चलो उनके के वोट दिया ही। जे जात से बच गई वो हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान
पुलवामा चाइना पर ओकरा के वोट ओकरा से लिया था, जे दोनों से बच जाता तो कहा था कि ये भैया कुछ हो जाओ, हम अपराध वाला राज ना चाहे। रमन नहीं जानत पहले हम जो अपराध वाला जंगल राज रहे, ओमे दीने में आदमी घुस के अपहरण होत रहे, गोली चलत रहे, ऊ ना चाही रे भाई। लालू जी के राज के डर से आदमी जाके भाजपा के देता। आ चौथा इधर मुसलमान भाई लोग बा, ये लोग कहता कि भैया मरिए चाहे जी भाजपा के ना वोट दिया, भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी बा, तो बिहार में बचल के, बिहार में तो भैया दुनिया को दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा आ दूसरा लालू जी के लल्टे। नीतीश कुमार के तो बेचारे के दौले नहीं खे बच, कभी लल्टेन पकड़ के लटकल बारन, कभी कमल के फूल पर बैठ के पौड़ कारण बुझाते नहीं थे कि भैया के जनता परेशान बा। अरे भाई जेने रहे के बा उन्हें एको रह। तो मुसलमान कह रहा है कि भाजपा के दे ना सकी, अभी लल्टेने लौकत आए ही के वोट दबावल जाए, यही में तेल बन के जरल जाए। इतना आदमी बैठल बानी जब बताई कि ये चार चीज पर वोट दिया था कि ना, तो जब ये चार चीज पर वोट दिया था रउआ मालूम बा, हमारा मालूम बा, तो सब ने तो जान गई बा कि भैया बिहार के जनता कतनो बतिया ले, हंस के गा के गरिया के भोटवा ये चार चीज पर दी हो जा, जहां जा कहा, इसीलिए नहीं सुधर रहा है। लोकतंत्र में आपको हमको ये सिखाया गया है, ये बताया गया है कि जिस नेता का जिस दल के साथ जिस विचारधारा के साथ भी आपका विश्वास है उसके साथ लगिए, उसको वोट दीजिए, लेकिन वो विश्वास वो वोट 5 बरस के लिए है, जीवन भर का बंधुआ मजदूरी नहीं है। वही संविधान वही लोकतंत्र आपको बताता है कि अगर आपके विश्वास के साथ धोखा हुआ, अगर उस व्यक्ति ने उस दल ने उस नेता ने आपका काम नहीं किया, तो आपकी नागरिक होने के नाते जिम्मेवारी है कि जितने मजबूती से आपने उसका साथ दिया है उतनी ही मजबूती से उसका विरोध भी कीजिए, झाड़ू मारकर बाहर कीजिए, तबे नहीं 5 साल के व्यवस्था बनल बा। हमनी के का बा, जे जेकर पोछ पकड़ लेलस, कोई जात के नाम पर पकड़ लेलस, कोई धर्म के नाम पर पकड़ लेलस, कोई विचारधारा के नाम पर पोस्ट पकड़ लेलस, अब छोड़ते नहीं के, काम होके चाहे मत होके। पदयात्रा में इसलिए चल रहे हैं कि गांव गांव जाए और आपको हाथ जोड़कर ये बात समझाए कि अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो लिख कर रखिए, दुनिया में कोई आपकी चिंता नहीं करेगा। दल नेता का कर लियो कोई करी भैया, जब रहुआ अपन लड़का के चिंता नहीं करे तो प्रशांत किशोर चिंता कर लियो। हम चलो तनी पैदल, 100 गो लड़का आगे दौड़ो तारा सब, तो आधा लड़कन के शरीर पर तो शुद्ध कपड़ा नहीं है, ज्यादातर बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है। आपका लड़का पढ़ने जा रहा है तो पढ़त नहीं है, पिलुआ वाला खिचड़ी खाता, अरे वह मस्त बानी। अरे जब राहुल लड़का पढ़वे ना करी खिचड़ी खाई तो मजदूर ना बनी तो कलेक्टर बनी, ये बात बुझाए के चाहिए भाई सबके, जहां चोली सब होशियारे बा। हे भैया शिक्षा व्यवस्था सुधार देब न तो बिहार सुधर जाए। तो हम रउआ से पूछत अभी, अपने बच्चों के नाम पर बताइए, जीवन में हमने आपने कभी शिक्षा के लिए वोट दिया है? जब रउआ शिक्षा खातिर वोटे नहीं की दे तो शिक्षा सुधरी कैसे? आप कह रहे हैं कि नेता हमको ठग रहा है, हम आपको कह रहे हैं कि कोई नेता आपको नहीं ठग रहा। अरे नेता ठगी तो एक बार ठग ली, दो बार ठग ली, रउआ अगर 50% ठगाता नहीं तो आपको सोचना चाहिए कि कुछ गलती अपने में है। अब प्रशांत किशोर आई बार तो प्रशांत किशोर ठग के निकल जाइए, गलती नेता में नहीं हम लोगों में है। आपने वोट दिया है जात के नाम पर, तो जात के चर्चा हर जगह होता, नेता लोग बैठ के ही नहीं खंज जोड़त की क्या काम कैल, रोज यह गणना करता कि कोना जात के आज साध लेनी है, 20,000 भूमिहार सदा गए, 15,000 यादव जी आ गए, 5,000 दलित के साध लेनी, वही नहीं खे जोड़त की स्कूल कितना बनवाई, रोड कितना बनवाई,
आपने वोट दिया है हिंदू मुसलमान के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर। तो जैसे ही वह टीवी खोला था नहीं तो यह सुनाई देता भारत पाकिस्तान। तो भैया जो वोट तो हमने ना काटोग, आप बबूल का खेती किए हैं तो आम कहां से खाइएगा, यही बताने चले। वो शिक्षा पर चर्चा शुरू करी, हर दल को जन सुराज के जरूरत नहीं है, वो चाहे आरजेडी हो कि भाजपा हो कि जदयू हो, जे बा सबके बतावे के पड़ी कि शिक्षा खातिर क्या करे, कोई अच्छा करी कोई खराब करी, कोई सच बोली कोई झूठ बोली, लेकिन बोली बतियाई सब शिक्षा के बारे में। बिहार में तो शिक्षा के चर्चे नहीं है, बिहार में तो रोजगार के चर्चे नहीं है। यह बाकी कोना जात के केकर कॉम्बिनेशन हो गई बा, केकर समीकरण हो गई, जल्दी वही पर सब विशेषज्ञ लिखा तारा जाए, तो कैसे सुधरेगा बिहार, नहीं सुधर सकता है। आदमी कहता कि प्रशांत किशोर बहुत होशियार बालक, भैया रउआ आगे आगे चली, रउआ सुधारी। तो हम आपको कहने आए हैं कि जो आदमी भी आता है वो यही कहता है कि हमरा के वोट दे दो, हम आई ना तो सुधार दे। हम आपको कह रहे हैं कि एक गो प्रशांत किशोर छोड़ी, दस गो प्रशांत किशोर आदि हो तो कुछ ना सुधरे। देखिए 2014 में हमने के बुझाई कि मोदी जी यहां ना तो सब सुधर जाए। 2014 में मोदी जी के हम ही अभियान चलावत रहे यूपी में, बिहार में आदमी मोदी जी के नाम ना जानत रह। आज वही आदमी हमसे लाठी डंडा कर रहा है, तारा बुझाता मोदी जी से देश मजबूत हो, कितना देश बढ़ गए, अब बढ़ल कि ना बढ़ल छोड़ दी। मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ किया कि नहीं इसको भी छोड़ दीजिए, मोदी जी के प्रधानमंत्री रहने से बिहार को फायदा हुआ कि नहीं इसको भी छोड़ दीजिए। आपको खुली चुनौती दे रहे हैं, 9 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और रोज टीवी वाला कहता था कि 15 घंटा 16 घंटा कामों करता हूं। 9 बरस में मोदी जी ने बिहार के विकास पर चर्चा के लिए, समीक्षा के लिए अगर एक बैठक किया हो, आप हमको खबर दिखा दीजिए, हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर फिर चलने को तैयार। 9 बरस में उस आदमी ने एक बैठक तक नहीं किया है, और फिर हम रोज जाके उहे ऊपर देखा ऊपर कह के वोट दिखा दिहल जाए। तो गलती मोदी जी का है कि आपका है, गलती हमारा राउर बा, काहे के झूठो मोदी जी के बात कहता नहीं। कितना आदमी को लालू जी के झूठो पर कहता कि जात के राजनीति फैला देले बाबा, हम रोज मन से कहते हैं कि लालू जी कहां जात का राजनीति कर रहे। अरे जात का राजनीति अगर लालू जी करते तो ये न कहते कि भाई इस राज्य का मुखिया जादव समाज का ही कोई आदमी होगा, जो सबसे काबिल बाबू हो ही, और सब जादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। लालू जी नहीं ना कह रहे हैं, लालू जी कह रहे हैं कि हमारा लड़का राज्य का नेता बनेगा, और सब आप लोग जादव जी लोग हमको वोट दीजिए। तो लालू जी तो अपने लड़के की ना चिंता कर रहे हैं, अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं। और लालू जी अकेले बाढ़ मांझी जी बाढ़ तो गौतम कि हम रह हमारा लड़का रही है, कुल मुसहर जी भाई लोग हमारा के वोट दो जा। कोई पंडित के नेता हो गए तो कहते कि हम रह हमारा लड़का रही, कुल पंडित जी लोग वोट हमारा के दो जा। जो जिस जात का नेता है वो कह रहा है कि हम रहेंगे, हमारा लड़का रहेगा, हमारे जात के सब लोग आप लोग वोट हमको दीजिए। तो नेता तो अपनी चिंता कर रहा है, अपने लड़के की चिंता कर रहा है, जात में तो रहुआ जुड़ाई वाली। यही बताने चले हैं कि आप वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना और अपने बच्चों का भविष्य को देखिए। गरीबी से अगर निकलना है तो जब तक आप शिक्षा पर रोजगार के लिए वोट नहीं कीजिएगा तब तक नहीं सुधरने वाला है। आदमी कहता कि भैया ये तो बुझाता बिहार में विकल्प ना रहे, रउआ दल बनाए तो हम दल काहे नहीं बनाव। अरे भाई पहले ही से भी बिहार में 50 गो दल बा, एगो हमू बना ले तो एगो और ठगे वाला बढ़ जाए। हमारे दल बनाने से बिहार नहीं सुधरेगा। अगर बिहार को सुधरना है तो आपको सुधरना पड़ेगा। लड़का राउर नहीं खे पढ़ल, तकलीफ में रउआ बानी, भ्रष्टाचार रउआ देख रोज फेस करता नहीं, तो रउआ न मिल के बनावे के पड़ी। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य ये है कि गांव शहर कस्बा देहात से हर उस आदमी को ढूंढ कर निकाले
जिस आदमी में जज्बा है, काबिलियत है और जो कह रहा है कि नहीं भैया अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए व्यवस्था हम लोग सुधारेंगे, इसमें कंधा लगाएंगे। जब पूरा बिहार में पदयात्रा हो जाए तो सब आदमी के बैठाई में एक संगे जे भी तैयार बा आ सबे मिल के कही कि दल बनावे के बाद तो बनी दल। लेकिन अगर दल बना तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए, वो किसी व्यक्ति का नहीं, किसी परिवार का नहीं, किसी जाति का नहीं, वो दल होना चाहिए बिहार के उन सारे लोगों का जो इसको मिलकर बराबरी के आधार पर बनाए और आगे मिलकर ही चलाए। दल के नेता प्रशांत किशोर काहे होके के चाहिए, दल के नेता प्रशांत किशोर काहे होके के चाहिए भाई, दल के नेता ओकरा के होके चाहिए जेकरा के सब लोग मिलके चुनो जे बिहार के सबसे काबिल आदमी बा, हमनी के गरीबी से निकालो ओकरा के न बने के चाहिए। न तो बिहार में दल कैसे बनाता, जे बनैलस दल वे हो गई नेता। आइयो कह दस की हमारा बात हो जान हमारा बेटा आ कुल जना तू लोग जीवन भर हमारा झंडा लेके ढोवा जा, यही बताने चले हैं। समझ में आए तो इससे जुड़िए और नहीं समझ में आए तो थोड़ा और समय दीजिए, इसको जांचिए, परखिए, मूल्यांकन कीजिए। आप में वो शक्ति है, किसी नेता किसी दल में शक्ति नहीं है कि बिहार को सुधार देगा। अगर कोई नेता कोई दल में शक्ति रही तो अपने सुधार ना जाए। आप में वो ताकत है, आप हनुमान हैं। जैसे हनुमान जी अपन शक्ति भुला जात रह वैसे ही रोबा अपन शक्ति भुला गई बानी। एक बार आप खड़े हो जाइएगा, अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाइएगा और संकल्प ले लीजिएगा कि जाति पर नहीं, धर्म पर नहीं, भारत पाकिस्तान चाइना पुलवामा पर नहीं, 5 किलो अनाज पर भी नहीं जो हमें मिला तरह 4 किलो, 4 किलो अनाज पर नहीं, नाली गली पर नहीं, आपके वोट की कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट की कीमत है आपके बच्चे का भविष्य। नाली गली पर वोट दीजिएगा, एक बार वह वोट दे देनी कोई नाली बनवाइयो दे लस तो उसे गरीबी से निकलो। जब वोट ले लस चलता हेलीकॉप्टर पर वह नाली को वोट देता नहीं। संकल्प ले लीजिए तभी सुधरेगा। अब रहुआ बताएं कि प्रयास होके के चाहे कि ना होके के चाहे, बताइए। आप ग्राम सभा में बैठे हुए हैं कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होके के चाहे ना। रहुआ से 2 गो सवाल करो, अभी सबके वोट देवे के बाद हाथ उठा के पूछे नहीं सवाल, जेकरा हाँ बोले के बाद हाँ बोली, जेकरा ना बोले के बाद ना बोली जोर से। पिछले 30-40 सालों में आपने हमने जिसको भी वोट दिया है किसी ने बिहार और बिहार के बच्चों की चिंता नहीं की, सबने बिहार को न सुधार पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है। अब समय आ गया है कि जिस राज्य को सबने छोड़ दिया उसको बिहार की जनता मिलकर अपने बच्चों के लिए बनाए। अब आप बताइए कि हमनी के सब के मिल के जनता का विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए ना भाई, आपकी सहमति है ना। तो आदमी कहते कि भैया दल तो बन जाए लेकिन चुनाव कैसे जीतल जाए। हमनी के साधारण आदमी, हमनी के ना राजनीति के समझ बा, ना संगठन बा, ना पैसा बा, ना व्यवस्था बा, ऐसा इतना बड़ा बड़ा दल बा, चुनाव कैसे जीतेंगे ये भी बताने आए। देखिए लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं, एक बार रोवा खड़ा हो जाए तो कोई दल कोई समीकरण टिकने वाला नहीं है। आज हमरा के थोड़ा मोड़ा भी जाना था ओकरा मालूम बा कि हमरा और कुछ आवे चाहे ना, चुनाव लड़ावे आवेला। जिसको भी समाज, जिसको भी आप अपने बीच से चुन कर निकालिएगा, वो गरीब हो अमीर हो, अगड़ा हो पिछड़ा हो, हिंदू हो मुसलमान हो महिला हो पुरुष हो, जेकरे के समाज चुन के निकाली उसी के पीछे जन सुराज की पूरी ताकत शक्ति पैसा संसाधन सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे। तबे बनी जनता के सरकार, एकर नाम का बा जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज, केकर सुंदर राज, रोवा तो सब पताव लगा के देख लेनी सबे ठग ले लो।
लालू नीतीश मोदी सबको आपने कांग्रेस को देख लिया, अब एक बार अपने आप पर दाव लगाइए, अपने बच्चों पर दाव लगाइए, जनता की सरकार बनाइए, तभी ये सुधरेगा, नहीं तो सुधरने वाला नहीं है। और दूसरी बात समझी, अगर बिहार के सुधारे के बाद तो खाली मुख्यमंत्री बदले से ना हुई, हजारों अच्छे लोग वार्ड सदस्य जीतने चाहिए, 5,000-6,000 अच्छा आदमी मुखिया सरपंच बनने के चाहिए, जिला परिषद प्रमुख अच्छे लोग बनने चाहिए, 100-150 अच्छा आदमी विधायक बनने के चाहिए, तब न बिहार सुधरी। खाली मुख्यमंत्री बदलने से नहीं सुधरने वाला है, पूरा व्यवस्था में घुन लग गया है नीचे से लेके ऊपर तक, तो पूरा सफाई होके के चाहिए कि ना होके चाहिए, होना चाहिए ना भाई, प्रयास होको ना, हम समर्थन मानो, धनवा से हम वोट मांगत नहीं की, चंदा हम लिही ना, अपना चाय अपना खिचड़ी अपना टेंट तंबू लेके चल रहे, एजा बैठ के चाय पियत रहे तो वो चाय लेके चलता ना, आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये कठिन काम है, फर्श पर जमी हुई काई है 50 बरस का, बैठ के जैसे रोवा ईटा से रगड़ के छोड़ाई लगाई हुई, सही गांवे गांव जाके समझावे के पड़ी, तो ये करने के लिए जरूरी है दृढ़ संकल्प, ऊपर वाले की कृपा और सबसे बढ़कर आपका आशीर्वाद। अगर आपको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं ये बिहार के भले के लिए है, बिहार के बच्चे बच्चों और समाज के भले के लिए है, तो एक बार हाथ उठा के आशीर्वाद दी, है ना आपका आशीर्वाद, होके ना प्रयास। एक अंतिम बात को अगर खत्म करेंगे 2 मिनट में, देखिए हमनी के लड़का जाता है सब बिहार से बाहर, कोई पढ़े जाता कोई मजदूरी करे जाता, तो कहता है आदमी बाहर के, बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़, ये शब्द बिहारी गाली बन गया है, हर दिन पूरे भारत में बिहार के लोगों को बिहारी कह के जलील किया जाता है। अरे हम लोग सब बेवकूफ लोग नहीं हैं, यहाँ के कुछ नेताओं ने व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है, एक बार रउआ जाग जाई और अच्छी व्यवस्था बनाइएगा तो आप में इस धरती में वो ताकत है कि हम लोग को कहीं हम लोग के बच्चों को पढ़ने और रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। दुनिया भर से तो आदमी आकर यहाँ पढ़ता था नालंदा में, आज हमनी के लड़का मारल मारल फिरता, तो इस व्यवस्था को सुधारिए, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए सुधारिए, ठीक लगे तो बहुत अच्छी बात और न ठीक लगे तो आपकी मर्जी। एक बार इस मिट्टी के सम्मान में जहाँ हम लोग पैदा हुए, जहाँ हम लोग के माँ बाप और पूर्वज पैदा हुए, मैं एक नारा लगाऊंगा, हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जरा भी संगे चले के हमारा आधा 1 किलोमीटर तरफ चली, आई गांधी जी के झंडा इधर लागल बा, जिसको ले जाके घर पर लगाने का इच्छा है तो ले जाइए, ये बच्चों लड़कन के खेले खाती ना हो, तब लीजिएगा जब घर पर लगाना होगा, नहीं लगाना है तो यहीं पर छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।